ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में हम देखेंगे 26 और 27 जुलाई की पीपीआर्स, बहुत इंटरेस्टिंग पीपीआर। इसमें एक सीडीए कॉलेज की है, एक मतलब एक पीपीआर बहुत टाइम बाद आई है, 2020 की पीपीआर्स आई है और नॉन एसटीएस की पीपीआर है बहुत। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, आपको सब पता चलेगा। पहले आप देख सकते हो ब्रो, वीज़ा आ गया फाइनली नॉन एसटीएस। ये नॉन एसटीएस फाइल थी 14 मई को लगाई, मेडिकल 12 अप्रैल को हुआ था, बायोमेट्रिक 2 जुलाई को हुए, मेडिकल अपडेट 12 जुलाई को हुआ, आफ्टर वेब फॉर्म ओके, रिव्यू स्टार्ट हुआ उनका 24 को, और उनको बीवीएल एंड पीपीआर आ गए 26 जुलाई को। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू थे, क्लास 10 में 93% एंड क्लास 12 के प्रिडिक्टेड स्कोर्स उन्होंने दिए थे 95, आइल्स में 7 ओवरऑल। एंड थैंक्स एंड विश यू वेल, थैंक यार। फिर ये आप दूसरी देख सकते हो, टुडे आई गॉट पीपीआर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। फाइल इन्होंने लगाई थी 6 नवंबर 2020 की, ये एक 2020 की फाइल है। मेडिकल उनका हुआ था 18 जनवरी को, फिर उनका AIP आया था 25th जनवरी को, रिव्यू स्टार्ट हुआ 17 जून को, और उनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ गया था 22nd जून को, और उसके एक मंथ से भी ज़्यादा हुआ उनको PPR आने में। सो अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ गई तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका भी। ये एक CDI मॉन्ट्रियल की है, नेम है शुभम मित्तल, बहन थे 7 CDI मॉन्ट्रियल। फाइल लगाई थी 16th मार्च को, BVL आया था 5th जुलाई को, और उनको PPR आ गई 26 को। ये इनका GCK का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो मार्च 16 को फाइल लगाई, उनको रिक्वेस्ट लेटर आया था 6 नवंबर को ओके, फिर दूसरा जून 1 को आया था, 5th जुलाई को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, 26 को आया था पासपोर्ट रिक्वेस्ट। ये उनका यू नो PPR है, आप देख सकते हो जुलाई 26 वाला। फिर मतलब ये एक और 2020 की फाइल की है, जून 28 को लगाया था इन्होंने और उनका 26 जुलाई को आ गया, मतलब इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल मतलब मोर देन 1 ईयर उनको लगा लेकिन आ गया फाइनली। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, हे ब्रो आई गॉट माय PPR, मेडिकल थी 7th अप्रैल को हुआ, फाइल लगाई 11th मई को, बायोमेट्रिक्स हुए 24th को, BVL आ गया 25th को और PPR आ गया 26 को। 10th एम ए 70% थी, 12 78% 2019 के पास आउट एंड कॉमर्स थी। फिर ये एक स्पाउस मतलब पूरी फैमिली की PPR आ गई है, मतलब ये सच है, एक हमारे वीवर ने शेयर किया, आई ऑल्सो रिसीव PPR फॉर द होल फैमिली, इट वॉज लॉन्ग प्रोसेस एंड वेट वॉज एगोनाइजिंग, ऑल एंडेड वेल, बैकग्राउंड था एंटरप्रीनर विथ ऑलमोस्ट 12 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, अप्लाइड फॉर इंटरनेशनल MBA, स्टडी गैप वॉज 12 ईयर्स, ग्रेजुएटेड विथ BTech वे बैक इन 2010, अप्लाइड फॉर फैमिली एप्लीकेशन टूगेदर अलॉन्ग विथ 2-year-old चाइल्ड। मेडिकल इनके हुए थे होल फैमिली के मार्च 22 को, एप्लीकेशन लगाई मार्च 27 को, बायोमेट्रिक्स हुए 12 को, मी एंड माई स्पाउस, नो बायोमेट्रिक्स फॉर 2-year-old उनके चाइल्ड थी उनका, बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गया अप्रैल 12 को एंड मेडिकल इनका अपडेट हुआ था 21 अप्रैल को, उनका ही हुआ था मेडिकल अपडेट 28 अप्रैल मई को हुआ उनके स्पाउस का, BVL रिसीव हुआ उनका 28 मई को, मी एंड माई स्पाउस, देन अ लॉन्ग वेट, हियर कम्स द वियर पार्ट, PPR रिसीव फॉर माई 2-year-old चाइल्ड 1st जुलाई 16 को, उनके मतलब उनके जो चाइल्ड थे उनकी आ गई। फिर रिसीविंग चाइल्ड PPR गेव अस अ साइन दैट वी बोथ विल बी अप्रूव्ड, PPR रिसीव्ड फॉर मी जुलाई 23 एंड PPR रिसीव्ड फॉर माई स्पाउस जुलाई 26। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल स्टडी गैप्स डज नॉट मेक श्योर यू चूज यूनिवर्सिटी रेदर देन कॉलेज, मोस्ट ऑफ एजेंट्स विल एडवाइज यू अगेंस्ट अप्लाइंग टुगेदर फॉर फैमिली, आई बेग्ड माई सेल्फ टू अप्लाई फॉर ऑल सेम टाइम, वी एम्फसाइज द रीजन दैट अवर चाइल्ड इज वेरी स्मॉल एंड नीड्स बोथ पेरेंट्स फॉर अपब्रिंगिंग वाइल आई एम स्टडिंग इन कैनेडा एंड दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग होम टाइज विद एज पेरेंट्स एंड लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेक श्योर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग SOP, यू विल बी फाइन, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस यार। और मतलब ये आप देख सकते हो आ गए भाई PPR 10 मई को फाइल लगाई, 14 मई को उनका BVL आया एंड 26 जुलाई को PPR आ गए, तो इसमें भी इनको 2 months से ज़्यादा लगे BVL के बाद। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, फाइल लगाई 30 अप्रैल को, मेडिकल हुए 14 को, मेडिकल अपडेट हुए 31 मई को, बायोमेट्रिक्स हुए 2 जुलाई को, और उसी दिन अपडेट हो गए BVL आ गई 5 जुलाई को, और उनको PPR 22 को आई थी लेकिन इनको एजेंट ने 26 को कहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं इसीलिए कहता हूँ कि जैसे मेरी 23 को आई थी, ठीक है 23 को इस मंथ में मेरी आ गई थी, ठीक है, तो अभी आज मेरा पासपोर्ट पिकअप होने अभी आएंगे वो, तो देखिए कि मतलब वो बीच में सैटरडे संडे आ गया, मतलब कितना अगर इनको पहले पता चल गया होता तो उनको आई थिंक सो अभी तक तो आज पिकअप भी हो जाता पासपोर्ट, लेकिन अभी आप आज ये वेब फॉर्म फिल करेंगे सो मतलब देरी होगी। सो मैं आपको कहूँगा कि जिसे कि प्लीज़ अपने एजेंट से ले लीजिए, मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे आपको नेविगेट करना है, जिसे कि मैं ऊपर आई बटन पे छोड़ दूंगा। अगर इनकी प्रीवियस स्टडी देखें तो 10th में 89, 12th में 83, IELTS 7.5, नो SOP, नो फाइनेंशियल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, नो नीड।
फिर यू मस्ट आस्क योर एजेंट टू चेक जीसी की रेगुलरली एज आई वॉज नॉट हैविंग जीसी की पासवर्ड एंड डिडेंट गेट एनी अपडेट्स ऑन मेल। सो मैं आपको यही कहूँगा कि कई बार क्या होता है आपकी एप्लीकेशन स्टेटस चेंज होता है लेकिन कई बार टेक्निकल इशू की वजह से आपको मेल नहीं आता जो PPR के पहले आता है वो। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, हेलो दर्शन आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब, यू आर डूइंग ग्रेट, जस्ट हियर टू टेल यू दैट आई गॉट PPR ऑन 22nd, इनको भी आ गई थी बट माई एजेंट टोल्ड दिस मी टूडे। ये प्रोफाइल आप देख सकते हो, 27th मे को फाइल लगाई मेडिकल हुआ 19th को, BIL आई 27th को, बायोमेट्रिक्स हुए 12th को, BVL आ गई थी 13th को और उनको 22nd जुलाई को आई PPR। आई हैव टू स्पेलिंग्स ऑफ माई फादर नेम डिफरेंट ऑन पासपोर्ट एंड आधार कार्ड, सो आई अटैच योर नेम एफिडेविट। ये दूसरी आप देख सकते हो, 11th मे को फाइल लगाई, BIL आ गया 20 मे को, मेडिकल अपडेट हो गया 9th जून को, बायोमेट्रिक्स हुए 15th को, BVL आया 26th को और उनको PPR आ गया 26th को। IELTS में थे 6.5 नॉट लेस देन 6, 10, 78, 12, 73, सेनेका कॉलेज इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कोर्स था। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, ये मे 26 की फाइल थी, जुलाई 26 को उनको PPR आ गई, MCOM किया था 2017 में, 3.5 ईयर गैप बट जस्टिफाई किया था उन्होंने। SDS में 6.5 थे, पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस अकाउंटेंसी सस्काचवेन पॉलिटेक्निक एंड गॉट PPR। फिर ये दूसरी आप देख सकते हो, ये तो आई थिंक सो मैंने आपको दिखा दी ना, नहीं ये दूसरी है, फाइल ली थी सबमिट 12th मे को, BIL आया 13th को, मेडिकल हुआ 6th को, बायोमेट्रिक्स हुए 13th को, BVL आ गया 14th को और उनको 26th को PPR आ गई। 10th में 84 थे, 12th में 64 एंड BTech में 80 थे। फिर ये मतलब ये भी एक और मोर देन जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, आगे फोटो वही मतलब है ये। 395 डेज उनको लगे, अप्लाई किया था 28 जून को, AIPI 8 सितंबर को, फर्स्ट बायोमेट्रिक्स हुए 9 दिसंबर 2020 को, फिर मेडिकल उनका अपडेट हुआ 12 फेब को और रिपीट किया था, बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट उनको आई थी तो उन्होंने 17 मार्च को फिर से बायोमेट्रिक्स करवाए, सेकेंड बायोमेट्रिक्स उनके हुए थे 2nd अप्रैल को अपडेट और उनका मतलब हुए थे, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया 12th मे को और उसके बाद उनको 2 months के बाद फाइनली आज उनको PPR आ गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, इतने हार्ड वर्क के बाद आई PPR। सो कई बार टाइम लगता है यार, आप वेट कीजिए, मेरी भी जर्नी आप सबको पता ही, अगर नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, मेरी भी मतलब इंटरेस्टिंग, मुझे भी अराउंड 250+ डेज लगे थे PPR आने में, उसके बाद मेरी आज पासपोर्ट पिकअप होगा। सो आज जो खुशी अभी हो रही है मतलब क्या कहूँ मैं आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड कोई भी आपकी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हो ना, कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट जरूर बन जाए, क्योंकि मैं ऐसी कैंडिडेट अपडेट शेयर करता रहता हूँ और आगे जो मैं अभी इंडायरेक्ट रूट का प्लान करूंगा या जो भी मतलब बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड दैट्स ऑल।